मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर जिम सिनेमाघर एवं थिएटर को 30 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। इस अवधि में आयोजित होने वाले म्यूजिक इन द पार्क और नाटक मंचन जैसे जितने भी कार्यक्रम थे वो सब स्थगित रहेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को देर रात मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसमें कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में एहतियात के तौर पर संक्रमण से बचाव के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने आमजन से कोरोना के विषय में भयभीत नहीं होने की सलाह भी दी है और आम लोगों से ये अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचें, वहां ना जाएं और आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा है कि स्कूल और कॉलेजों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। साथ ही मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में जो कार्य का संचालन है वो सामान्य रूप से जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से शादी समारोह को छोटा रखने और सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों से ये कहा है कि वे नियमित रूप से एडवाइजरी आदि जारी कर आमजन को जागरूक करें